अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि एक स्पेशल व्लॉग आने वाला है और बहुत सारे लोगों ने गेस भी कर लिया था कि वो स्पेशल व्लॉग ये होगा कि हसीब की बर्थडे आ रही होगी। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही गेस किया था और हसीब की बर्थडे का ही ये व्लॉग है। तो हसीब की बर्थडे होती है 1 जुलाई को, यानी कि आज जिस दिन आप लोग ये व्लॉग देख रहे हैं। लेकिन मैंने कल संडे को 30 जून को ही सेलिब्रेट कर ली थी। वो इसलिए सेलिब्रेट कर ली थी क्योंकि मंडे को ना हसीब ने कोर्ट जाना होता है और मंडे को तो मतलब अंडरस्टूड सी बात हो जाती है अगर मैं करती कि हाँ आज तो ये बर्थडे सेलिब्रेट ही हो रही है इसलिए ये मुझे बुला रही है। तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा सरप्राइज़ देना चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने संडे का ही मतलब कहा कि क्योंकि संडे को भाई जो मेरे भाई हैं वो भी संडे को फ्री होते हैं, वहाँ से बहन भी फ्री होती है, उन्होंने भी आना था। तो मैंने सबको बुलाया था कि क्योंकि ये जो फैमिली के साथ गुजारे हुए छोटी छोटी पल होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात कहूँगी कि हमेशा अपनी फैमिली को सबसे आगे रखें, काम को दफ़ा कर दें, फैमिली सबसे आगे। आप जब अपनी फैमिली को आगे रखते हैं ना तो हर चीज़ आपके पीछे खुद भागती हुई आती है, ठीक है। तो बाकी जो है फिर मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ स्पेशल बनाया जाए कि हम जब भी बाहर जाते हैं ना तो हसीब ना मंचूरियन, फ्राइड राइस और ढाका चिकन ज़रूर ऑर्डर करते हैं। हसीब को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये मंचूरियन, फ्राइड राइस हो गया और ढाका चिकन की डील होती है, बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो ना फिर मैंने सोचा क्यों ना यही बनाया जाए। अब हसीब के जहन में तो था कि मतलब ये संडे को मुझे बुला रही है तो ये बर्थडे सेलिब्रेट करेगी, तो उनके जहन में ये था। लेकिन उनके जहन में ये नहीं था कि मैंने ये सोचा हुआ है मेन्यू में कि आज मैं मंचूरियन बनाऊंगी, फ्राइड राइस बनाऊंगी और ढाका चिकन बनाऊंगी। ये उनके जहन में बिल्कुल नहीं था क्योंकि मैं उनको कह रही थी कि आपने आना है, आपने आना है, आपने आना है संडे को, पता तो हसीब को चल गया। लेकिन अब उसको उनको ये था कि मतलब सेलिब्रेट तो कर रही होगी, और मैंने उनको ये कहा था कि ना मैं मैक्रोनीज लेके आई हूँ, उसका मैंने सामान भी मंगवा लिया। तो हसीब के जहन में ये था कि ना ये मैक्रोनीज बनाएगी, तो मैंने सोचा सरप्राइज़ दिया जाए। तो ये जो चिकन आप देख रहे हैं, पहली वाली जो चिकन है ये मैंने मैरिनेट किया ढाका चिकन के लिए, और ये वाली जो चिकन है ये मैंने मैरिनेट की है मंचूरियन के लिए। और आप देख रहे हैं दोनों के कलर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और फ्राइड राइस के लिए भी ये सब्ज़ियाँ जो है ये मैंने खुद कट नहीं की थी, ये मुझे भाभी ने कट करके दी थी। तो मेरे उठने से पहले सब्ज़ियाँ तो कट हुई पड़ी थी, उनकी मुझे कोई टेंशन नहीं थी। तो मैं उठी, उसके बाद फिर मैंने चिकन को साफ़ किया, चिकन को कट करके मतलब क्यूब्स में कट किया और फिर उसको मैरिनेट करके रख दिया। क्योंकि मेरा ये था कि भाभी वैसे मेरे साथ सारा काम करवा देते हैं, लेकिन मेरा ये था कि मैं हसीब के लिए चीज़ बना रही हूँ तो मैं खुद अपने हाथों से बनाऊँ। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि अपने हाथ से चीज़ बना के खिलाना। तो अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताइएगा, जो आप लोग अपने हाथ से खाना बनाते हैं वो दूसरों को तो बहुत मज़े का लग रहा होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्या आपको भी उतना अच्छा लग रहा होता है? तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, क्योंकि मुझे ना वो खाना बस अच्छा लग रहा होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि मैंने मंचूरियन और फ्राइड राइस और ढाका चिकन बनाया। आप यकीन करें माशाल्लाह सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। हालांकि फ्राइड राइस तो मैं पहले बनाती रहती हूँ, लेकिन मंचूरियन की जो ट्राई है ना वो मैंने पहली दफ़ा की थी और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। और मैं सोच रही हूँ अपने AH व्लॉग्स वाले चैनल को अगर हम कुकिंग चैनल में चेंज कर दें तो मतलब मैं वहाँ आप लोगों को रेसिपीज़ सिखाऊँ, वो वाली रेसिपीज़ जो आप घर की चीज़ों से ही बना सकते हैं, ये नहीं कि आपको स्पेशली चीज़ें जो है वो बाहर से ही लानी पड़ेंगी। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि मतलब अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस चैनल को कुकिंग चैनल बना लूँ जिस पे मैं आप लोगों को मिंट मार्गरीटा सिखाऊं और बाकी इस तरह की रेसिपी शेक्स हो गए, बाकी ये देसी रेसिपीज़ हो गई, चाइनीज़ हो गई, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं अपने उस चैनल को जो है वो हम कुकिंग चैनल में चेंज कर देंगे। लेकिन आप लोगों ने मुझे उस चैनल का ना नेम भी अच्छा सा सजेस्ट करना है कि उसका क्या नाम रखें, तो आप लोग जो नाम बताएँगे और जो सबसे अच्छा नाम होगा हम वो नाम रख लेंगे। तो चले अब हम जल्दी से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी की, ठीक है। तो सरप्राइज़ इस तरह के हसीब को ये तो था कि हाँ ये सेलिब्रेट आज करेगी, लेकिन उनको ये नहीं था कि ये डेकोरेट किस तरह करेगी। तो ये मैं चीज़ें लाई थी और मैं ये जो चीज़ें जब लेने गई थी ना वो ब्लॉग भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो आपने देखा अगर पहले ज़माने में जो सेज बनती थी उसमें ये चीज़ लगती थी, अब तो फूलों की सेज बनती है जो प्यारी भी बहुत लगती है, लेकिन ये जो सेज में ये चीज़ें यूज़ होती है ना, मैंने बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे देखी कि मतलब इसकी डेकोरेशन हुई होती है, ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो फिर ये 3 मीटर की आपको एक मिलेगी, अगर आप लोग लेना चाहें तो ये आपको 3 मीटर की एक मिलेगी, एक मतलब लड़ी कह लें, एक जो मिलेगी ना सिंगल वो 3 मीटर की मिलेगी। और 3 मीटर अगर आपने सिर्फ एक ही लगानी है तो आप एक ले लें, लेकिन मैंने ना ये 2 ली थी क्योंकि मेरा था मैं ना गैरेज में करूँगी सेलिब्रेट, मतलब सारी डेकोरेशन ना गैरेज में करूँगी,
तो इसलिए विंडो के आगे लगानी थी, तो इसलिए फिर मेरे लिए ये दो ही काफ़ी थे। और मैंने ब्लू कलर इसलिए ख़ुद मैंने ब्लू कलर चूज़ किया क्योंकि ब्लू कलर बहुत ज़्यादा बॉयज़ का कलर होता है ना, और हसीब को ब्लू कलर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंने ब्लू कलर लिया। हाँ, जब इंशाल्लाह सिस्टर की बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी ना, तब मैं इंशाल्लाह पिंक कलर लाऊँगी। तो बस फिर मैंने एक लगा ली थी और यहाँ मैं दूसरी भी लगा रही हूँ। और आप यकीन करें, मैंने ये सारा काम, हालांकि गैरेज में फ़ैन है, मैंने वो ऑन नहीं किया क्योंकि अगर मैं फ़ैन ऑन करती थी ना तो ये उड़ते थे और ये सही लगते नहीं थे। और मैंने गर्मी की हालत में खड़े हो के ये लगाई हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है सारी। तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने ना दराज से कुछ ऑर्डर किया, लास्ट व्लॉग में दिखाया था, तो मैंने दराज से ये हैप्पी बर्थडे वाली बंटिंग ऑर्डर की थी क्योंकि मेरा था कि मैं ना यहाँ से भी गई थी, मार्केट से भी गई थी पूछने पर ना, वहाँ से ना महंगी मिल रही थी जबकि दराज से ना सस्ती मिल रही थी, तो फिर मैंने ना अच्छे रेट्स में मिल रही थी, तो फिर मैंने ये सिल्वर कलर में मंगवाई क्योंकि गोल्डन जो बहुत ज़्यादा गर्ली कलर हो जाता है तो सिल्वर ना प्यारा लगता है। तो चलें अब जल्दी से ना हम हैप्पी बर्थडे वाली जो बंटिंग है इसको सेट कर लेते हैं। आप लोग देखेंगे कि मैंने कितनी मेहनत से ये जो बंटिंग है ये सारी की सारी जो है वो सेट की है, क्योंकि कभी यहाँ से वो मेरे हाथ से गिरती थी, कभी वहाँ से गिरती थी, गर्मी इतनी थी, पसीना मुझे इतना आ रहा था। तो अब हम जल्दी से ना ये बंटिंग सेट कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ। सारी डेकोरेशन हो चुकी है कंप्लीट। वैसे मेरा था मैं ना बैलून्स भी लगाऊं हीलियम में, जो मतलब वो जो होते हैं जो जिनको छोड़ो तो उड़ जाते हैं बैलून्स, हीलियम वाले वो भी था, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मैं वो हीलियम वाले फिल कहाँ से करवाऊं क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ फिल करते हैं वो, तो इसलिए फिर मैं वो नहीं करवा सकी। और संडे था, भाई वगैरह सो रहे थे, तो फिर मैंने उनको जगाना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि एक दिन तो उनका फ्री होता है। बाकी फिर मेरा इरादा था कि ना मैं अबू को कहूँगी कि ना मुझे ना ये जो टेंट वाली शॉप होती है, या मैं आप लोगों को बर्थडे के आइडियाज़ भी दे रही हूँ, तो ये जो टेंट वाली शॉप होती है वहाँ से ना मुझे ना एक टेबल मंगवा दें, वो जो बुफे टेबल होती है तो वो मंगवा दें, उसके साथ वाइट जो है वो शीट भी भेज देंगे, तो उसको मैं डेकोरेट, वो टेबल रख के ना उसके ऊपर शीट डाल के ना उसको डेकोरेट कर लूँगी। फिर मैंने सोचा नहीं, मेरे घर में जो ट्रॉली पड़ी है मैं क्यों ना इसको ही यूज़ कर लूँ, तो ट्रॉली को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। वैसे आप लोग मेरे व्लॉग में ये पहली दफ़ा ट्रॉली देख रहे होंगे, लेकिन मैं आप यहाँ आप लोगों को एक बात कहूँगी और वो बात ये कहूँगी कि ट्रॉली आप लोगों के घर लाजमी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लगती है कि मतलब जब मेहमान आते हैं तो आप इनको मतलब ट्रॉली में चीज़ें सर्व करते हैं, ट्रॉली में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। इतनी महंगी भी नहीं आती ये ट्रॉली कोई, ठीक है। तो उसके बाद ना बात ये थी कि हमने ना पहले सेलिब्रेट कर लेनी थी बर्थडे, मेरा इसलिए पहले सेलिब्रेट करने का था कि ना मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ और पिक्स बना लूँ, और फिर जब सिस्टर आएंगे ना शाम को तो फिर हम वो कर लेंगे, खाना खाएंगे। तो यहाँ मैंने हैप्पी बर्थडे वाला टॉपर बनाया था खुद ग्लू गन से, और अगर आप लोग चाहते हैं कि देखना कि मैंने किस तरह बनाया था तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। आप कुछ भी लिख सकते हो, ये इतना प्यारा लगता है ना, मैं अभी आप लोगों को केक पे लगा के भी दिखाती हूँ। तो ये केक मैंने ऑर्डर किया था, मैंने खुद ही ये सारा डिसाइड किया था ब्लू कलर में सारा, तो उसके बाद जो है मैंने ये केक ऑर्डर कर दिया था और ये होम डिलीवरी करके वो गए थे। और हम भावलपुर में एक बेकरी है मफिन्स, हम लोग केक वहीं से बनवाते हैं और माशाल्लाह उनका केक बहुत 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 ज़्यादा मज़े का होता है।
और ज़रा ख़राब नहीं होता, हालांकि वो बाइक पे आए थे देने लेकिन ज़रा ख़राब नहीं होता। और ये देखें वो जो हैप्पी बर्थडे वाला मैंने टॉपर बनाया था वो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, प्यारा लग रहा है ना। तो चले बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो बर्थडे है मैंने पहले सेलिब्रेट इसलिए करवा ली थी कि भाई मैंने पिक्स बनानी है, मैंने वीडियोस बनानी है और जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं वहाँ से ना चिकन को भी फ्राई करने रखाई थी, जल्दी जल्दी में मैं ट्रॉली में मतलब कैंडल्स रखना, फ्लावर्स रखना ये भूल ही गई। तो बस मैंने इस तरह, फिर मुझे बाद में बड़ा अफसोस हुआ कि हाय मैंने ये चीज़ें तो रखी नहीं थी, तो बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन मैंने कहा चलें वीडियो तो मैंने आप लोगों के लिए बना ली, क्योंकि अगर हम रात को करते ना तो रात को इतनी ज़्यादा अच्छी लाइटिंग नहीं आती। तो बाकी ये मैंने चिकन फ्राई कर ली है मंचूरियन के लिए और यहाँ मंचूरियन मैंने बनाने के लिए रख दी थी। और अभी देखिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी है क्योंकि मैंने काफ़ी पानी डाला था, तो अभी ये पानी जो है ये खुश्क होगा, फिर हम इसको दोबारा से पकाएंगे। तो ये जो इस साइड पे मैंने दूसरे चूल्हे पे पानी रख दिया था उसके लिए, फ्राइड राइस के लिए, और ये चिकन जो है ये सारी फ्राई कर ली थी मैंने मंचूरियन के लिए। और मैंने इतनी ज़्यादा ना वीडियो शूट नहीं की खाने की, क्योंकि मुझे था कि आप लोग मे भी बोर हो जाएं। तो अगर आप लोग इनमें से किसी चीज़ की भी रेसिपी देखना चाहें तो मुझे बताइएगा, और उससे पहले आप लोगों ने मुझे अच्छा सा नाम सजेस्ट करना है जो हम अपने दूसरे चैनल का रखें, कुकिंग चैनल का, ताकि मैं वहाँ आप लोगों को बहुत अच्छी रेसिपीज सिखा सकूँ। तो बाकी यहाँ मैं फ्राइड राइस की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि खुशियाँ पैसों से नहीं ख़रीदी जाती, लेकिन मुझे पता है चीज़ें पैसों से ही आती हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की ही करें, बर्थडे सेलिब्रेट करें या कोई भी पार्टी सेलिब्रेट करें, कोई भी खुशी सेलिब्रेट करें। आप चीज़ें घर में बाहर जा के खाने से अच्छा है कि घर में मंगवाएं चीज़ें, घर में सब फैमिली मेम्बर्स मिल के खाएँ तो उसकी तो खुशी अलग होती है। और इस तरह की छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए। ये जो टाइम है ना बहुत ज़्यादा कीमती है टाइम होता है, तो इस तरह की छोटी छोटी खुशियाँ लाजमी सेलिब्रेट करनी चाहिए। बाकी ये जो है चिकन मैंने मैरिनेट की थी उसके लिए ढाका चिकन के लिए, तो मैंने इस पर ये ब्रेड क्रम्स लगा के रख लिए। अब यहाँ मज़े की बात सुने, ढाका चिकन पे ना तिल भी लगते हैं। अब हसीब वगैरह को गाँव से आए थे तिल, तो हसीब ना बहुत ज़्यादा तिल लाए थे, तो अम्मी ने क्या किया, अम्मी ने वो ऐसी जगह संभाल के रखे कि वो मिले ही नहीं। आपकी अम्मी भी ऐसे करती होंगी, अम्मियाँ वैसे सारी ऐसे करती हैं कि वो चीज़ ऐसी जगह पे संभाल के रखती हैं, उनके मुताबिक वो चीज़ संभाल के रखी होती है, लेकिन मौका आने पे वो चीज़ मिलती नहीं। भाई मेरी अम्मी तो ऐसा करती हैं, तो पता नहीं आप लोगों की अम्मियाँ ऐसा करती हैं कि नहीं, लेकिन मेरी अम्मी ऐसा करती हैं कि उनके मुताबिक वो चीज़ संभाल के रखी होती है, लेकिन वो ऐसी संभली होती है ना कि वो फिर मिलती नहीं है, टाइम पर नहीं मिलती, बाद में बेशक मिल जाए। तो ये चिकन मैंने फ्राई कर ली है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। लेकिन इसमें जो ब्रेड क्रम्स थे ना बड़े अजीब से ब्रेड क्रम्स थे, पता नहीं कौन सी कंपनी के थे, बड़े अजीब से थे। तो अब टाइम आ गया था, फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था, सिस्टर आ गई थी, फिर हम लोगों ने खाना खा लिया। तो मैं इतनी ज़्यादा वीडियो मैंने खाने की बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई। तो उसके बाद जो है फिर अब गिफ्ट खोलने का टाइम आ गया, तो गिफ्ट मैं आप लोगों को बता दें, ये जो पहला परफ्यूम पड़ा है एवरीवन, ये जो दिया था ये भाई ने दिया था, जो सेकंड नंबर वाले मेरे भाई हैं जिनका हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो ये उन्होंने दिया था, ठीक है। और ये जो शर्ट है ये बड़े भाई ने दी थी। उसके बाद ये वाला जो परफ्यूम अब हसीब ओपन कर रहे हैं ये मैंने दिया था, और बहुत ज़्यादा ये इस तरह लगता है जैसे सोने की ईंट ना हो, तो इस तरह लगता है। तो आपने देखा होगा अभी निकाल के हसीब आपको दिखाएंगे, तो ऐसे लगता है जैसे फिल्मों में नहीं हम देखते सोने वाली ईंट जो होती है, ये वैसे लग रही थी। लेकिन इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और बाकी अम्मी और अब्बू ने हसीब को पैसे दे दिए थे। उसके बाद मैंने फिर बर्तन धोए, क्योंकि जो भी हो जाए हम लड़कियों की कभी भी जान नहीं छूट सकती बर्तन धोने से। उसके बाद गिफ्ट्स ओपन करने के बाद बर्तन धोए थे। और हाँ सिस्टर, जो बड़ी सिस्टर हैं जिनका चैनल है लाइफ ऑफ जॉबियन मॉम, वो भी गिफ्ट लाई थी, और वो लाई थी बॉडी स्प्रे, तो वो भी हसीब ने ओपन करके पहले साइड पर रख दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने हसीब को कहा, मैंने बर्तन वगैरह सारे वॉश कर लिए, फिर मैंने हसीब को कहा चले अब हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो फिर हम आए हैं आइसक्रीम खाने, मैंने आइसक्रीम ली, हसीब ने ये सोडा जो होता है वो लिया, फालसा सोडा था। उसके बाद घर आ गए, फिर हसीब चले गए, तो फिर मैंने अपने लिए सारे मतलब अपने सारे कामों से फ्री होकर ना थोड़े से बर्तन फिर भी रह गए थे, तो फिर मैंने थोड़े से बर्तन वॉश करने के बाद अब मैं बैठी हूँ अपना ये खाना लेके। और ये फ्राइड राइस और मंचूरियन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। कर तो मैं अपनी तारीफ़ खुद रही हूँ, लेकिन सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, हसीब को बहुत ज़्यादा पसंद आए। और फिर मैंने अपनी सास के लिए सब कुछ भेजा, केक, मंचूरियन, राइस, हाँ
सब कुछ भेजा था मैंने उनके लिए। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि ये व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को।